अस्सलाम वालेकुम, मैं आ गई हूँ कौन न्यू रेसिपी के साथ और आप देख रहे हैं आसान रेसिपी आर आर के। मैं हूँ सबा। सो आज मैं बना रही हूँ कलेजी। कलेजी मैं कढ़ाई स्टाइल में बना रही हूँ, बहुत सिंपल रेसिपी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूँ। यहाँ मैंने लिए 1 टीस्पून काली मिर्चें, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी मिर्चें, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून साबुत धनिया लिया था, उसे पीस लिया था। मैंने 1/2 किलो कलेजी लिए, 1/2 kg। हाँ, जितनी कलेजी होगी आपकी उतने ही टमाटर होंगे। अगर 1/2 किलो कलेजी है तो 1/2 किलो आपको टमाटर लेने, क्योंकि कढ़ाई स्टाइल में मैं आपको कलेजी बता रही हूँ तो इसमें जो है ना टमाटर ज़्यादा ऐड होंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर ये मैंने 4 हरी मिर्चें ली हैं जिन्हें कट कर लिया था। यहाँ मैंने 4 कली लहसुन के लिए इन्हें कट कर लिया था। तो चलें स्टार्ट करते हैं। टमाटर लें और बहुत ध्यान से केयरफुली आप कीजिएगा कि हाथ में लग सकती है इससे, तो बहुत केयरफुली कीजिएगा वरना तो कीजिएगा ही नहीं। बहुत केयरफुली कीजिएगा वरना तो रहने दीजिएगा, क्योंकि आपके हाथ में लग सकती है। बहुत इजीली इससे इस तरह से मैंने जब ट्राई किया टमाटर अच्छे से मेल्ट हो गए थे। जब लाइट नहीं हो और आपको थोड़ा सा इश्यू हो के किस तरह से, मतलब आपको ब्लेंडर यूज़ नहीं करना पड़ेगा, आपको जो है ना सिल वगैरह यूज़ नहीं करना पड़ेगा, आपको इमाम दस्ता जो जिसे कहते हैं उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपके पास कोई भी चीज़ हो उससे आप जो है ना कवर करके इसके टमाटर बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे। इतने बारीक मैं कहती हूँ कि इतने बारीक आपके जो है ना ब्लेंडर में भी नहीं होते। आई होप ये आपकी ये ट्रिप आपकी नहीं यूज़फुल होगी, और अगर आपकी नहीं यूज़फुल हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको इससे काफ़ी मतलब हेल्प मिले और इजी हो आपके। बस एक बात का ख्याल कीजिएगा कि आप इसे बहुत केयरफुली कीजिएगा, अगर आपका ज़रा सा भी हाथ स्लिप हुआ तो आपके हाथ में लग सकती है। इस तरह से हम सारे टमाटर कर लेंगे। यहाँ मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है। अब हम इसमें ऑयल में डालेंगे लहसुन, साथ ही इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कलेजी। अब हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे। मिनट में इसे कवर कर देंगे, इसका पानी रिमूव हो जाएगा कलेजी का। गाइस यहाँ पे 5 मिनट हो गए। मैं टमाटर ऐड कर दूंगी इसमें। ये इसमें हरी मिर्चें डाल दूंगी और इसे मैं कवर कर दूंगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, कि टमाटरों का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए, मसाला बिल्कुल प्रॉपरली भुन जाए, फिर इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे छोड़ हो गए 20 मिनट। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे जो मैंने मसाले आपको बताए थे। कवर कर देंगे इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम। वेलकम बैक गाइस, यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं, ये डन है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। चलिए जी डिश आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितनी ज़बरदस्ती कलेजी कढ़ाई तैयार है, और इसका कलर ज़बरदस्त जब आता जब टमाटर रेड होते हैं। अच्छा, मेरे टमाटर जो है ना ग्रीन थे, रेड नहीं थे, तो इसलिए इसका कलर जो है ना आज इतना मतलब अच्छा नहीं आया है। बाकी जब मैं रेड टमाटर बिल्कुल यूज़ करती हूँ तो बहुत अच्छा इसका कलर आता है। तो कितनी ईजीली ये तैयार हो गई, आप इसे ट्राई कीजिए, मुझे फीडबैक दीजिएगा। चलती हूँ, रखिएगा दुआओं में याद, फिर मिलेंगे कौन न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।